डेट कैसे मिलेगी और टूरिस्ट वीजा लगेगा भी कैसे, वो सारी चीजों के बारे में ये बात करेंगे। बिकॉज डेट वगैरह में ना भाई बहुत झोल होने लगा, पब्लिक बहुत झोल करने लगी 2023 नवंबर के बाद से। जिसने भी DS-160 फॉर्म भरा है, 2017 में मम्मी का वीजा रिजेक्ट हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी वगैरह के लिए ना भाई डेट्स अवेलेबल है ही नहीं। फिर पूछा आप क्यों जाना चाहती हूँ। कम से कम 7-8 लोग मेरे आगे जो थे ना वो लोग सिलेक्ट नहीं हुए। एक लड़का भी था बेचारा, उसने भी कितने सारे पेपर वर्क करके लेके आया था, और वो कहाँ कहाँ घूम के आया था बेचारा। और मैं बताता हूँ, हम लोगों ने मैंने मम्मी को हाथ में क्या डॉक्यूमेंट्स देके भेजा था, ये आप ध्यान से सुनना। अब उसने देखो भाई, यहाँ पे कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से वो लोग आपको वीजा देते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई नो इस चैनल पर काफी दिन से वीडियो आई नहीं है। फिलहाल इस वक्त हूँ मैं इंडिया में, और इंडिया का मैंने कुछ ट्रिप लिया था कुछ रीजन की वजह से। तो भाई फिलहाल हम लोग एक घर में, और अभी निकल रहे हम लोग एयरपोर्ट के लिए। और भाई आज मम्मी मेरे साथ पहली बार जाने वाले हैं भाई अमेरिका। इनका वीजा एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या इनको सवाल किए, ये सारी चीजें मैं आप लोगों से ना इस वीडियो में शेयर करता हूँ। इसके अंदर कंप्लीट ब्लॉग अगर आपको देखना है इसका पूरे ट्रैवल का, तो वो मेरे दूसरे चैनल रियान सैयद पे देखने मिलेगी। यहाँ पर मैंने सोचा आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बता दूं भाई, कि अगर एक पेरेंट्स अगर अमेरिका जाना चाहते हैं तो उनको क्या क्या चीजों से सामना करना पड़ता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको प्रेजेंट करने पड़ते हैं, और वीजा कैसे मिलता है। चलो भाई, मम्मी बहुत एक्साइटेड है। सफर अच्छा रहे, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा सफर अच्छा रहे। बस आप लोग सब लोग दुआ कीजिएगा। रास्ते में काफी सारा ट्रैफिक मिल रहा है, और मुंबई की ट्रैफिक तो यार सच में बताओ हालत खराब कर देती है। और मेरे साथ में ना ये दो लोग, और एक्चुअली मैं गाड़ी में ब्लॉगिंग करने वाला नहीं था, इन दोनों की वजह से मैंने कैमरा उठाया भाई। हमें बोला कि इन लोगों को लेता हूं। तो ये है अफरोज और ये है हसनैन। इन लोगों को ब्लॉग करने का बहुत शौक है, लोग मेरे ब्लॉग भी ना, मैं जब वहाँ से ब्लॉग वगैरह अपलोड करता ना, ये लोग ना वहाँ से ब्लॉग वगैरह भी देखते देखते क्या नहीं तुम लोग ब्लॉग देखता हूं। तुम लोग दोनों कैसे लग रहे हैं? नन्ना जा रही है, सही बोलो, सही बोलो, सच्ची में यार। और एक्चुअली साथ में दीदी भी आई हुई है। मम्मी को एक्चुअली मम्मी को पता नहीं कि क्या बोलना है क्या करना है, बिकॉज उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि क्या होने वाला है भाई, यही लंबे समय कैसे एक्चुअली। और एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं एमिरेट्स है, और हम लोग का फ्लाइट है वाया दुबई। यहाँ पर हम लोग अमेरिका जैसे पहुंच जाएंगे ना भाई, फिर वहाँ पर जाकर मैं आपको पूरा मम्मी का एक्सपीरियंस बताऊंगा। एक्चुअली मम्मी के लिए मैंने पहले ही व्हील चेयर कर दिया था, और भाई मैं चलते ही चेक इन हो गई फाइनली, यार सब कुछ एकदम आसानी से क्लियर हो गया। और अब चल रहे हम लोग अपने सिक्योरिटी और इमिग्रेशन की तरफ। तो यार बस पहुंच गए भाई मम्मी अमेरिका। तो खैर आज की वीडियो में यार अभी हम लोग बात करते हैं भाई मम्मी का एक्चुअली वीजा प्रोसेस हुआ क्या, वीजा के क्या क्या सवाल पूछे भाई, इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, पेरेंट्स अगर वीजा लगाने के लिए जाते हैं तो भाई होता क्या है। पहले ये जगह देखकर कैसा लग रहा है ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है कि भाई नई नई जगह, जहाँ भी जाओ तो नया नया दिखने लगता है, रोज हर रोज एक नया दिखने मिलता है। यहाँ की सब चीजें देख के इतना दिल खुश हो जाता है ना, बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा फील होने लगता है इंसान को। ये गार्डन देखो इतना अच्छा लगता है, इतनी सफाई है यहाँ पर। एक चीज ना मुझे खुशी हो रही है कि भाई मम्मी ने यहाँ पे ना हम लोगों के साथ में यहाँ की चीजों को एंजॉय कर रहे। एक और चीज बता दूं, इस वीडियो के स्पॉन्सर है हर्नेस्ट। थैंक यू हर्नेस्ट फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। भाई ये हर्नेस जो है ना भाई, इन्होंने हमें एक कॉफी टेबल भेजा है, क्या जबरदस्त कॉफी टेबल है मम्मी। बहुत अच्छा है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी भी अच्छी है, कम से कम जगह में भी रख सकते हैं, कम से कम 6 लोग उसपे खाना खा सकते हैं 4 से, मतलब वो पूरा फोल्ड होता है भाई। फोल्ड होके ना कॉफी टेबल भी बनता है, और ये डाइनिंग टेबल भी बनता है। लोग है ना, अगर स्टूडेंट भी अगर एक साथ रह रहे ना, हाँ तो अच्छा है आप लोगों के लिए, अच्छा है कम से कम जगह में आप उसको मैनेज कर सकते हो, है ना। अगर एक बेसमेंट में भी अगर आप अमेरिका में आके रहते हैं तो भाई वो एक बेसमेंट में भी सेट हो जाएगा। आप लोग भी देखिए, आप लोग भी खरीदिए। मैं जरूर रिकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन में ना मैं उनकी लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर वो वेबसाइट को देखो, उनके और भी चीजें हैं, उनके पास डाइनिंग टेबल है बहुत सारे भाई, इंडोर आउटडोर के लिए उनके पास बहुत सारी चीज है। तो आप लोग उनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, और भाई यहाँ अगर आप अमेरिका में हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हो। ये जैसा मम्मी को भी पसंद आ गया, बिकॉज़ मम्मी को ऐसी चीजें पसंद आती नहीं है ज्यादा, लेकिन मम्मी को बहुत अच्छा लगा जैसे मैंने उसको सेटअप किया ना। थोड़ा सा चैलेंजिंग था सेटअप करने में, थोड़ा आधा दिन लग गया पूरा, पूरा आधा दिन ऐसा लगता कैसे होगा, लेकिन वो कैटलॉग रहती है, कैटलॉग में देख के हर कोई कर सकता है, मतलब ऐसे नहीं है कि नहीं कर सकता। तो खैर आप चलते अपने वीडियो को कंटिन्यू करते भाई वीजा के बारे में। बच्चे लोगों का बॉल अभी यहाँ पर गा गया, मैं भी इन लोगों को बॉल देता हूँ, मुझे मम्मी मेरे दिन याद आ गए। हाँ, जो मैं क्रिकेट खेलता था तो कोई ना कोई तुझे भी बॉल देता। नो वरीज, यस या श्योर या। नाम को इसको क्या, व्हाट्स योर नेम बड़ी? बॉब, नाइस टू मीट यू बॉब, टेक केयर। तो भाई ये लो बच्चे का लक्रॉस, यहाँ पे लक्रॉस भी खेलते थे। अच्छा, हाथ में नेट लेके कौन सा गेम खेल रहा था बच्चा? मम्मी उसको ना एक्चुअली लक्रॉस बोलते हैं। वो अच्छा। जब मैं भी आया था ना अमेरिका पहली बार, तो मैं भी देख के एकदम टेंशन में, बोला भाई नेट के अंदर फेंकते जैसा वो खेलते ना बैडमिंटन, लेकिन उसमें नेट में वो लोग फेंकते और फिर उससे गोल करते। वीजा की डेट वगैरह मिल नहीं रही है, डेट कैसे मिलेगी? मम्मी का जो वीजा की डेट थी ना भाई, ये मैंने लास्ट ईयर लिया था, लेकिन अभी इसका तोड़ भी है। जल्द से जल्द डेट कैसे मिलेगी वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मम्मी की डेट ले लिया,
दिन आता है भाई बायोमेट्रिक का, मम्मी ने बने दिए थे भाई बायोमेट्रिक। अब इसके लिए क्या लगता है भाई, अगर आपके पेरेंट्स है ना उनके लिए भाई, अगर आप लोग टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने मम्मी के लिए टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया, और टूरिस्ट वीजा लगेगा भी कैसे, वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। मैंने उनको टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने के लिए भाई आपको चाहिए सिंपल DS-160 फॉर्म चाहिए, जो आपको भर के भाई आपकी पूरी कुंडली उसमें डालनी रहती है, उसके बाद आपको है ना आपकी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो जब आप इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट लोगे उसी टाइम पे आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेनी है। अभी एक्चुअली हुआ क्या पता है कि अमेरिका के जितना भी वीजा है ना भाई, वो VFS के थ्रू प्रोसेस होता है। एम्बेसी में भाई बैठने वाले इमिग्रेशन ऑफिसर अमेरिकन ही रहते हैं, लेकिन ऊपर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो होता है ना भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करते भाई VFS वाले पहले इन्वॉल्व नहीं थे इसमें, तो उन लोगों ने क्या उनकी पूरी वेबसाइट वगैरह पूरी चेंज कर दी है, बिकॉज डेट वगैरह में ना भाई बहुत झोल होने लगा, पब्लिक बहुत झोल करने लगी, तो इन लोगों ने क्या किया भाई, इनका पूरा सिस्टम ही बदल दिया। बिल्कुल सही एकदम, मैं भी एक बार गई तो घबरा गई एकदम, क्या हो रहा है, हम लोग की तो डेट ली हुई थी, इसके बावजूद भी हम लोग को मतलब इसके लिए नहीं जाने दे रहे थे, बोले नहीं आपको नेक्स्ट ईयर का मिलेगा। करेक्ट, तो भाई हम लोग ने डेट ले ली, उसके बावजूद जब हम लोग मम्मी के बायोमेट्रिक के लिए गए ना भाई, वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, वो बोलते हैं तुम्हारा जो DS-160 फॉर्म जो था ना भाई वो एक्सपायर हो गया है, तो अभी तुमको DS-160 फॉर्म नया भरना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए जानकारी है भाई, 2023 नवंबर के बाद से जिसने भी DS-160 फॉर्म भरा है उनका कोई टेंशन नहीं है, उनका प्रॉपर लॉगिन है, उसके पहले जिसने भी भरा है ना भाई उसको फिर से भरना पड़ेगा, BFS की वजह से पूरा सिस्टम चेंज हो गया। खैर हम लोगों ने ऑन द स्पॉट भाई वहाँ पे DS-160 फॉर्म भरे और फिर मम्मी का बायोमेट्रिक दिया, तो प्रॉब्लम आई थी अटक गए थे, लेकिन हम लोगों ने एक घंटे में भाई पूरा काम हो गया। कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बायोमेट्रिक के लिए कुछ पूछा तुमको अंदर सवाल मम्मी? फिंगरप्रिंट वगैरह लिया, नाम पूछा, बोला ठीक करके। उसके बाद 2 दिन के बाद इंटरव्यू था। अब बात करते हैं भाई इंटरव्यू में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में भाई DS-160 फॉर्म होना चाहिए और आपका कंफर्मेशन पेज होना चाहिए। इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट जो कंफर्मेशन होता है ना, वो डेट ली हुई वो कंफर्मेशन आपको लेकर जाना है, साथ में DS-160 फॉर्म लेकर जाना है, ठीक है। अब मम्मी का भाई 7:50 पर भाई मम्मी का इंटरव्यू था, हम लोग वहाँ पहुंच जाते आधा घंटा पहले, और फिर मम्मी होता क्या ये बताओ अभी। अरे वहाँ जाने के बाद वो इतनी लंबी लाइन देख के ऐसी घबराहट होने लगती है, पता नहीं होगा क्या नहीं, मतलब पिज्जा मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, बस यही सब घबराहट थी। लेकिन फिर मैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह बोल के दुआ पढ़ते हुए गई अंदर। जैसे तुम एम्बेसी के अंदर घुसे लाइन क्रॉस करके, तो एम्बेसी में हाँ पासपोर्ट चेक किया और बोला इससे पहले आपका कभी नाम बदली किए क्या? हाँ। जो प्रॉपर पहले से जो नाम है वही है। मैंने कहा मेरा कोई नाम नहीं बदलिया, जो नाम था वही है, बस ये सवाल किया उसने मुझसे। उसके बाद में दूसरे काउंटर पे भेजा, पासपोर्ट लिया, चेक किया, उनका टोकन नंबर दिया, टोकन ठीक है, और बोला जाके खड़े हो जाओ लाइन, खड़े हो जाओ 34 पे, 34 काउंटर पे जाके खड़े हो जाओ भाई। वहाँ पे जब आप लोग जाएंगे ना टूरिस्ट वीजा के इंटरव्यू के लिए, मैं आपको वाकई में बता रहा हूँ इतने सारे लोग आएंगे ना, इतने सारे लोग के आप देख के बोल रहे बाप रे। ये भी पूछा मुझे, आप इंग्लिश में इंग्लिश जानती हो, हिंदी जानती हो, मराठी जानती हो, कौन सा लैंग्वेज में बात करो, कौन सा लैंग्वेज जानती हो? मैंने कहा मैं तो हिंदी जानती हूँ। ठीक है, मैं एक और चीज बता दो, जब मैं डेट ले रहा था ना भाई अपॉइंटमेंट की, तभी मम्मी का ना मैंने उसमें इंग्लिश सेलेक्ट किया था, क्योंकि मालूम है क्यों, क्योंकि हिंदी वगैरह के लिए ना भाई डेट्स अवेलेबल है ही नहीं, तो अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हो हिंदी में तो आपको डेट ही नहीं मिलेगी, तो चुपचाप सेलेक्ट कर लेना भाई अपने पेरेंट्स के लिए, अगर इंग्लिश नहीं बोल पाते तो इंग्लिश ही सेलेक्ट करना। लेकिन जब आप लोग एम्बेसी में अंदर जाएंगे तो आपको फिर से पूछते हैं वो लोग कि आप कौन सी लैंग्वेज में इंटरव्यू दोगे, तो मेरे को ये चीज पता थी, तो मैंने मम्मी का इंग्लिश में ही अपॉइंटमेंट ले लिया था भाई। तो फिर मम्मी ने तुमने क्या बोले, हिंदी बोले? हिंदी में, तो बोला ठीक है। फिर मुझे अपना नाम पूछा, फिर पूछा आप क्यों जाना चाहती हूँ? हाँ। मैंने कहा मेरे बच्चे लोग वहाँ पर है, मैं कुछ दिन के लिए वहाँ पे अपने बच्चों के साथ कुछ दिन गुजारना चाहती हूँ। फिर पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं? मैंने कहा मेरे 5 बच्चे हैं। बाकी बच्चे कहाँ पर है? मतलब 3 बच्चे मेरे इंडिया में है, 1 बच्चा मेरा अमेरिका में है, और 1 बेटी मेरी लंदन में कर। बोला ओके, कितने दिन में आप रिटर्न आओगे? तो मैंने कहा बस कुछ दिन वहाँ रहूंगी, अपने बच्चे के साथ कुछ वक्त गुजारूंगी और फिर मैं रिटर्न आऊंगी करके। तो बोला ओके। फिर उसके बाद में मेरे को पूछा तुम क्या काम करती हो? मैंने बोला हाउस वाइफ हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कौन है वहाँ पर? मैंने बोली बेटा और बहू है मेरी। तो अच्छा, वो लोग क्या काम करते हैं? मैं बोली मेरे बेटा भी जॉब करता है, मेरी बहू भी जॉब करती है, दोनों भी जॉब करते हैं। बोला अच्छा। उसके बाद मेरे को बोला ठीक है आपका वीजा हो गया। चलो भाई, तो मतलब देखो मम्मी को सवाल किया था, ठीक है। अरे जब मैं लाइन में गई तो ऐसा देख के घबराई, क्योंकि मुझे मेरे आगे 3-4 लोग थे ना, उनको ऐसे ऐसे सवाल कर रहा था, वो बेचारे जवाब तो दे रहे थे वो लोग, लेकिन फिर भी वो लोग मतलब कम से कम 7-8 लोग मेरे आगे जो थे ना वो लोग सिलेक्ट नहीं हुए, तो मुझे देख के लगा शायद मैं भी नहीं हूँ। फिर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करते रही, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब जवाब भी उन लोगों को बराबर दी। उसके बाद उसने बोला अच्छा ठीक है आप चले को गए, वीजा लग गया आपका। चलो भाई, मतलब वैसे मैं इतनी खुश हो गई और सुनने के बाद अल्लाह, मैं सोची मैं तो उम्मीद भी नहीं करती कि लगेगा, क्योंकि सबका नहीं 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 नहीं, सब एकदम छोटा समूह बना के जा रहे थे, जो भी मेरे आगे मतलब लेडीज लोग भी थे, एक लड़का भी था बेचारा, उसने भी कितने सारे पेपर वर्क करके लेके आया था, और वो कहाँ कहाँ घूम के आया था बेचारा,
सब उसने सब बताया क्या क्या प्रोसीजर के सब बताया और वो क्या क्या कोर्स किया हुआ है सब बताया, लेकिन फिर भी बेचारे का नहीं हुआ, एकदम नर्वस होकर निकला। उसको देख के तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके फिर बाद में एक लेडी और थी जो मेरे एज की थी, मतलब तो वो भी उसको भी मतलब बहुत से सवाल किया करा, वो भी कैनेडा वगैरह सब जाके आई हुई थी, मतलब अच्छा। उसके बच्चे कैनेडा में भी है, हाँ। अमेरिका में भी है, फिर भी रिजेक्ट करा। अरे बाप रे, तो भाई मतलब वो देख के फिर मेरे को ऐसा हुआ कि अब तो मेरा नहीं होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना शुक्र अदा करो, जितना अल्लाह का एहसान, बस के मेरा हो गया और मैं एकदम खुश हो गई। और खुशी से मेरे को कुछ समझ भी नहीं आता कि मैं क्या करूं कि अल्लाह मेरा वीजा लग गया करके। और मैं बताता हूँ, हम लोगों ने, मैंने मम्मी को हाथ में क्या डॉक्यूमेंट्स देके भेजा था, ये आप ध्यान से सुनना। वो बंदे ने देखो पूरा फाइल, बड़ी फाइल लेके आया था, फाइल लेके हर चीज थी उसके पास, उसके बावजूद भी उसका नहीं हुआ। मुझे भी अच्छा नहीं लगा उसको देख के कि अल्लाह ने ऐसा, मतलब अच्छा नहीं लगता। इतनी उम्मीद लेके इंसान जाता है, ना उम्मीद हो जाता है तो एकदम अजीब सा चेहरा देख के अपने को भी अजीब सा होने लगता है। रुको मम्मी, बैठो। तो अभी मैं एक बात बता दूं भाई, वो बंदे ने इतने सारे पेपर लेके गया फिर भी नहीं हुआ उसका, और वो बंदा ना कन्विंस करने लगा, ये गलती मत करना। वो बंदा कन्विंस कर रहा है कि ऑफिसर प्लीज मेरे को अप्रूव कर दो। हाँ, बहुत बोल रहा था, है ना, बहुत कुछ। हालांकि उन्होंने जितने सवाल किए वो बराबर जवाब भी बराबर दे रहा था, बराबर दे रहा था, क्योंकि मैं 3-4 नंबर के बाद ही मेरा नंबर था, मतलब। लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ, हर एक का मतलब। वो लोग बोलते तो कुछ नहीं है, सही बात, पासपोर्ट दे देते हाथ में, सही बात, पासपोर्ट दे दिए तो समझ जाने का कि इसका नहीं हुआ करके। हाँ। अगर हो वीजा लग गई तो लोग पासपोर्ट अपना अपने पास ही रखते हैं। और मैं बता दूं, क्या मम्मी ने बहुत ज्यादा ट्रैवल करके इसीलिए उनको मिला वीजा? भाई मम्मी ने 3-4 बार सऊदी गए हुए, और तुम कहीं इंटरनेशनल ट्रिप ली है मम्मी तुमने? नहीं, कहीं भी नहीं, इसे इंडिया में सब जगह गई हूँ कि मैं बहुत सारी कंट्री घूम के जाऊंगा तो मेरा वीजा 100% लग गया। भाई उनको उससे कोई मतलब ही नहीं है, उनको वो सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखते, चेहरा देख के हाथ में वीजा देते। अब उसने देखो भाई, यहाँ पे कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से वो लोग आपको वीजा देते हैं, उनको खाली ये जानना होता है कि भाई इनका वहां पर कोई है या नहीं। तो जो भी है ना भाई, आप सच बताना कि भाई मेरे रिश्तेदार ये, ऐसा मत करना कि भाई नहीं रहते कोई भी, झूठ नहीं बोलना, जो भी है सच बोलना। देखो आपके तकदीर में अगर यहाँ आना होगा तो आप किसी भी तरह आ जाओगे, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकेगी आप। और उम्मीद रखो इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, मतलब कोशिश करना अपना काम है। मम्मी को डॉक्यूमेंट मैंने क्या दिया था, मम्मी का पासपोर्ट, DS-160 फॉर्म और अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन लेटर, और कुछ लेके गए थे? इसके अलावा कुछ भी नहीं। बैंक अकाउंट तुमने लेके गए थे? कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में, कुछ भी नहीं, खाली मेरे से जो भी सवाल किया मैंने उसका सही से जवाब दी, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं था मेरे हाथ। और हाँ, मम्मी को डॉक्यूमेंट मैंने मेरा एक स्पॉन्सर लेटर दिया था कि भाई मैं मेरी मम्मी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, वो मेरे साथ कुछ टाइम रहेंगे और मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ, ये इनविटेशन लेटर बनाकर दिया था, ठीक है। लेकिन इसके बारे में एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा भाई कि मम्मी का वीजा लगा कैसे और कहां से लगाया, इसके ऊपर है ना भाई एक प्रॉपर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आप लोग कमेंट में करोगे, हाँ बनाओ, तो नेक्स्ट वीडियो फिर मैं उसी पर बनाऊंगा। वीजा लगा कैसे, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे को, लो भाई लाइक करो, लो भाई, ताकि हम लोग ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाए, आपको यहाँ की मालूमातें सब देते रहे। क्या बात है, लो भाई, तो मम्मी जी भी ज्वाइन हो गए भाई आर्मी में, ये फोर्स में मम्मी भी ज्वाइन हो गए कि भाई अब आप लोग कमेंट करो, तो आप लोग का कमेंट करना भाई बनता ही है। तो भाई इसी तरह से कुछ भाई, फिर मम्मी का इंटरव्यू हुआ, वीजा मिल गई भाई। क्या आपके पेरेंट्स भी आप लाना चाहो, अगर आप यहाँ रहते हो अमेरिका में, अपने पेरेंट्स को बुलाना चाहते हो तो आपका भी मम्मी का वीजा या मम्मी या डैडी का वीजा लगे और आप अपने पेरेंट्स को बुला सकते हो। बिल्कुल, मैं तो ये दुआ करूंगी सबके लिए। बिल्कुल, क्या बात है यार, मम्मी हमेशा जितनी खुशी मुझे मिलती है शायद उनको भी उतनी खुशी मिले। सही बात है, समझे, इसीलिए आप लोग अच्छा कमेंट करो, अच्छी अच्छी बातें लिखो ताकि हम लोग को देख के खुशी हो जाए और हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते रहे, बस। सही बात है। तो भाई अभी तो और कुछ आप बहुत कुछ शेयर करना है भाई ये वीजा के रिलेटेड, तो ये तो भाई एक नॉर्मल प्रोसेस हुआ कि भाई ऐसे ऐसे हम लोग इंटरव्यू दिए, लेकिन इसके पीछे भी जो कुछ प्रिपरेशन होती है ना भाई, कि कैसे इसको हम लोग अप्रूव करवा सकते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं भाई, 2017 में मम्मी का वीजा रिजेक्ट हुआ था, याद है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी रिजेक्ट हुआ था, मम्मी का भी 2017 में रिजेक्ट हुआ था, लेकिन कैसे नर्वस हुए थे वो हम लोग को पता है कि बाप रे, जब वीजा नहीं लगता तो इंसान का चेहरा कैसे हो जाता है, बहुत बुरा लगने लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों ने यही था बस, जब होगा तकदीर में लिखा तो इंशाल्लाह हम लोग जाएंगे, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग ये करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। सही बात है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 5 लोग जाएंगे तो वीजा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कि भाई इनके आगे एक फैमिली थी, पूरे 6 लोग थे ना मम्मी, हाँ। वो 6 के 6 लोग का पूरा उसने पासपोर्ट दे दिया रिटर्न, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप लोग ऐसा दिखाएंगे कि भाई घूमने के लिए हम लोग 6 लोग जा रहे हैं एक साथ पूरे फैमिली वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऑफिसर चेहरा देखता है भाई, चेहरा देख के पहचान लेता है कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है, हमेशा सच बोलो ताकि किसी भी तरह जो भी आपका काम होगा वो हो ही जाएगा। इसके अंदर और टिप्स जो रहेगी भाई, एक पूरी डिटेलिंग वीडियो कि भाई DS-160 फॉर्म में भरना क्या है, क्या डिटेल नहीं डालनी है, कैसे हम लोग है ना जल्दी से जल्दी वीजा की डेट ले सकते हैं, किसके थ्रू आप लोग करवा सकते हो, ये आप लोग कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा मैं बस। और एक्चुअली और अगर आप लोग व्लॉग्स वगैरह देखना है अमेरिका के,
मम्मी का एक्सपीरियंस, हम लोग जो ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं, घूम रहे, फिर रहे, मम्मी की एक्सपीरियंस शेयर कर रहे, तो मेरा रियान से चैनल है, उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। आई होप आपको आइडिया मिली रही कि भाई अगर कोई पेरेंट्स को अपने अमेरिका बुलाना चाहता है या वो खुद भी आना चाहता है तो क्या करना पड़ता है। तो खैर इस वीडियो को यार इतना ही रखते हैं, आप लोग बताना आपको वीडियो कैसा लगा। दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं हम लोग आपको एक नई वीडियो में, जैसा कि हम हर बार कहते हैं, तब तक के गाइज स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। वाह भाई मम्मी ने भी बोल दिया, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी गाइज।